खरगोन जिले में पोस्ट ऑफिस में बचत खातों में करोड़ों की धांधली मामले में पुलिस ने दो लोगों को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस के अभिकर्ता मोहन चांदोरे की शिकायत लेकर हितग्राही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। इस दौरान हितग्राहियों ने बताया कि मोहन चांदोरे के कहने पर हमने पैसों का लेन देन किया और उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर मामले की विवेचना की जा रही है। आगामी समय में गवाह सबूत के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मैंने जो पैसा मेरे घर से गया है, मेन आरोपी मोहन चांदोरे है, क्योंकि मोहन चांदोरे के अंतर्गत काम करता था जगदीश का, है ना, जगदीश का काम करा था। तो जो पैसा लेन देन का पूरा व्यवहार जो पैसा है तो मोहन चांदोरे के नाम से हुआ था। मैंने जो रिपोर्ट FIR मेरी दर्ज है, FIR दर्ज है, वो है मोहन चांदोरे के नाम से और जगदीश काक के नाम से। तो जगदीश काक पकड़ा गया, मोहन चांदोरे अभी भी फ्री होकर घूम रहा है। कितने पैसे थे आपके? मेरे करीबन 10 लाख के आसपास। मेरी मम्मी का पैसा है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा जमा किया था 15 साल में उन्होंने, और एक झटके में इन्होंने इस तरह कमाल दिखा दिया। पुलिस तो कह रही कि मोहन चांदोरे के खिलाफ साक्षी नहीं है। नहीं, साक्षी नहीं, मेरे पास में इसके पूरी प्रूफ है कि दो आरोपी है और दो आरोपी में जो है इनका नाम है। सबसे पहला नाम है जगदीश, पिता मांगीलाल काक जाति जो भी है, और बाद में मोहन चांदोरे बाहर सिंहपुरा। अच्छा। इसको आरोपी आपने बनाकर पकड़ लिया। आरोपी तो दो है मेरे तरफ से, तो इसका नाम कहाँ है, ये क्यों नहीं आ रहा? जब शुरू में नाम पर आया वो, उसने बीच में जाके सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद में इसका नाम ही गायब हो गया है। तो मेन आरोपी तो यही, पैसा तो सब कुछ। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, और ये कहीं ना कहीं जो है आपस में कुछ मिली भगत होगी, इस कारण ऐसा हो रहा है ये चीज़। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सोन जी है। इनके दो शिकायत लिखे आए कि मोहन चांदर के खिलाफ FIR में नाम क्यों नहीं आ रहा है, और दूसरा पोस्ट ऑफिस के लोग क्यों FIR से बाहर हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन गलत है, वो अभिकर्ता नहीं है, अभिकर्ता तो इसमें आरोप जी। दूसरी बात, जितने लोगों पे इसमें आरोप लगे हैं, साक्ष्य हैं, उन सबकी FIR में नाम है। तीसरी बात, पोस्ट ऑफिस पे FIR की बात कर रहे थे, तो किसी बिल्डिंग पे FIR नहीं होती। पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे तब समय में, जिनकी लापरवाही और चूक के कारण ये भ्रम पैदा हुआ कि वो कर्मचारी एजेंट है या कर्मचारी है, ये जो कन्फ्यूजन के कारण मतलब उनको अलाउ किया, या पासबुक और सील या पासवर्ड उनको दिए गए, उनमें जो कर्मचारी दोषी पाए गए उसमें आरोप है। तो जो समुचित कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं, और कोशिश की जा रही है अधिक से अधिक लोगों को न्यायालय के माध्यम से इसमें पेश। मोहन चांदोरे को लेकर पीड़ितों का आरोप है कि मोहन चांदोरे का नाम पुलिस क्यों नहीं कर रही है जी, जैसे मुख्य 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 आरोपी हुआ उसके बाद भी सर गिरफ्तारी अभी तक संदेहास्पद है सर। क्वेश्चन, इनका जो आरोप है मोहन चांदोरे और उसमें और बाकी के लोग, इसमें ये संभव है कि और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, मोहन चांदोरे और उसके अलावा भी। पर जिस तरह के साक्ष्य आएंगे और उनको हम जब न्यायालय में पेश करके उसको सिद्ध कर पाएंगे, तभी उसमें कोई अधिक कार्रवाई हो जाएगी। तो ये विवेचना का विषय है, बहुत ज़्यादा इस पर खुलासा नहीं किया जाता है। विवेचना में जैसे तथ्य आएंगे, साक्ष्य आएंगे, वैसे उनकी कार्रवाई। सर, इसमें अभी मोहन चांदोरे के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है अभी तक, नहीं है मेरे पास। नहीं, पर ये लोग तो लेके आए, कागज लेके आए कि उन्होंने मोहन चांदोरे को पैसे दिए हैं। मोहन चांदोरे को कागज को दिए नहीं, अभी मौके बात ही नहीं हुई, तो मैंने रिप्लाई किया। सर, इसमें कुछ सूदखोरी वगैरह का भी मामला सामने आ रहा है उसमें? हाँ, इसमें काफ़ी लोग हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि किसी से पैसे लिए थे, जिसके कारण उनके मन में ये देवनाथ में बात आई, गबन चल रही थी, और काफ़ी लोगों ने पैसे मार्केट में चलाया या मार्केट का पैसा इन्हें इन्वेस्ट किया। तो वो सब विवेचना में आगे आएगा, जैसा विवेचना में आगे आगे होने वाले तथ्य आएंगे वैसे उस पर लोगों पर कार्रवाई। सर, रिमांड मोहन चांदोरे से पूछताछ हुई है सर जी, हो गई है सर। रिमांड के दौरान आरोपियों ने कुछ बताया कि सर विवेचना का विषय है, और चूंकि इसका प्रभाव अब आने वाले न्यायालय की प्रक्रिया में पड़ा गया, बहुत ज़्यादा खुलासा आप लोगों के सामने नहीं किया जा सकता। थैंक यू। मुलाकात की है, आरोप भी लगाए हैं कि मोहन चांदोरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा, आंसूया भरोसा दे रहे हैं, बाकी कहीं नहीं है। मोहन चांदोरे तो घर में बकायदा घी रोटी दूध सब चलने दे रहा है ना, वो बाहर घूम रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा उसके खिलाफ। उसके खिलाफ मैंने पहले भी आवेदन दिया था, मैंने पूरा आवेदन उसके खिलाफ टाइप करवा के दिया, SP साहब को देके गया, SP साहब से पर्सनल मुलाकात करके गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो बोले साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य नहीं, वही तो साक्ष्य है, मैं तो उसके घर पे होके आया था। कितना पैसा आपका? मेरा 1.5 लाख रुपया। मैं उसके घर पे गया कि यार भैया मेरे को 1.5 लाख की FD करना है, तो उनने बोला कि तू जा जगदीश काक के पास जा और FD करके आ गया। तो इसमें साक्ष्य कौन हुआ? तेरा लाइसेंस, तेरा मुख्य लाइसेंस तेरा है ना, तू सब पूरी संस्था तू चला रहा है, वो तेरे पास काम कर रहा था, हम उसको क्या जाने, हम तो तेरे को जाने ना। पोस्ट ऑफिस वालों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ किसी पर कुछ नहीं, दो को पकड़ लिया, दो को पकड़ने के बाद में काम चल रहा है।
वो भी मस्त घूम रहे हैं, वो उनको भी कभी के रिमांड पे ले रहे हैं। अभी तक तो वो सही साठ घूम रहे सही, बकायदा तमाकू गुटके पाउच विमल वगैरह सब मिल रही है। तो क्या क्या चाहते, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही क्या भाई? ये उनको तो कुछ मालूम नहीं। क्या नाम है? मैं राजू भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।